हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, मैं आज आपको बता रही हूँ कि नाभि चली जाती है तो किस तरह लेते हैं। बहुत से लोग इसे नाभि चली गई है बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं छाती चली गई है। देखिए मैं कैसे लेती हूँ इसको। ये अंगूठा है, अंगूठे को इधर रखते हैं इस तरीके से और ऐसे इसको हमें देखना है, थोड़ा सा पुश करना है, नीचे दबाना है, इतना इस तरीके से देखना है। इसमें पता चल जाती है, यहाँ धक 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 आवाज़ आती रहती है। अगर आवाज़ नहीं आई तो समझो चली गई है। फिर थोड़ा इधर अंगूठे को ऐसे रख रख के देखिए, आपको साइडों में चारों तरफ देखिए नाभि के, हाथ रख रख के अंगूठा, आपको पता चल जाएगी कि कहाँ गई है। अब जैसे इधर चली जाती है, यहाँ गई है, आपको यहाँ ज़ोर से आवाज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ गई है। फिर आप इस पर सरसों का तेल लगा के भी ले सकते हैं। सरसों के तेल से इस तरीके से यहाँ लगाइए। देखिए मेरे पास ये थोड़ा सरसों का ही तेल है, मैंने इसमें भर रखा है। देखिए अब मैं इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ और देखिए आप, ये ऐसे और ऐसे सूखते हैं इसको, ऐसे ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं ऐसे, अभी नहीं आई है तो अभी मैं इनकी नस दबाती हूँ, पैर की नस दबाते हैं। ये यहाँ पैर है, ये पैर में ये है, ये निकली हुई हड्डी, इससे नीचे यहाँ देखिए आपको, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी अंदर, हाथ लगा लगा के ऐसे देखिए, बड़ी आसानी से मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको दो चार बार दबाइए ऐसे, और इससे दोनों पैरों की दबा दीजिए, ज़्यादा गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ यहाँ ढूंढिए इसको, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेरी वीडियो पूरी हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कोई भी बात हो तो कमेंट में कमेंट करिए। ओके बाय।